बार पीओसी जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था एक बार कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में हैप्पीनेस का कैरिकुलम लागू करेगी, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज मैंने उसको रिव्यू किया था। हम हमेशा एजुकेशन में जब बात करते हैं तो फोकस ये रहता है अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वो एक पहलू है। लेकिन खाली अच्छी बिल्डिंग और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से अच्छी पढ़ाई हो जाएगी उससे काम नहीं चलता है। इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने उस पर भी काम करना शुरू किया पिछले 3 साल में और बहुत वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग्स कराई। लेकिन कोर ऑफ एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन का मूल बिंदु है कि आदमी अपने प्रोफेशनल स्किल के साथ खड़ा हो और साथ साथ समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में जीने के लिए, हंसमुख एक सर्वगुण संपन्न इंसान के रूप में खड़ा होना शुरू हो, वैसे उसके लिए उसकी अर्ली चाइल्डहुड एज से उस पर काम करना जरूरी था। उसके लिए हमने करीब 6 महीने से काम कर रहे थे, लगभग जनवरी से इस पर काम चल रहा था कि हैप्पीनेस कैरिकुलम लॉन्च करेंगे। और अब मैं अभी उसकी रिव्यू मीटिंग करके आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले। नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस कैरिकुलम का पाठ्यक्रम लागू करेगी। पहला साल है प्रोग्राम का, इसमें बहुत कुछ हमें भी सीखना है, लेकिन इसमें मेडिटेशन प्रैक्टिस से लेके मोरल स्टोरीज से लेके मेंटल एक्सरसाइजेस से लेके बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं और उसका कैरिकुलम तैयार कर लिया गया है। उसको आज हमने लगभग अंतिम रूप दे दिया आज की मीटिंग में, और अब उसको छपवा के 2 जुलाई को इस कैरिकुलम का लॉन्च होगा और हिज होलीनेस दलाई लामा साहब इसको लॉन्च करेंगे हैप्पीनेस कैरिकुलम को। ये एक अच्छी चीज़ हुई है। उसके बाद ये पूरे हमारी अब उसमें, क्योंकि जुलाई में थोड़ा लॉन्चिंग पीरियड के बाद और अभी भी चल रही है, टीचर्स ट्रेनिंग्स भी चलनी है, तो जुलाई से ये सरकारी स्कूलों में जहाँ जहाँ ट्रेनिंग्स हो जाएंगी वहाँ शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके जुलाई एंड तक हम इसको सारे स्कूलों में लागू करने का, मतलब एज सून एज पॉसिबल मे बी मिड जुलाई तक सारे स्कूलों में लागू करने का प्रोग्राम बना रहे। ये कार्यक्रम एजुकेशन के इतिहास में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा देश में और मैं समझता हूँ दुनिया भर में, क्योंकि इसमें काफ़ी रिसर्च की गई है, इसमें देश भर में एजुकेशन पेडागोजी इसको समझने वाले लोगों ने हमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। पूरी एक टीम 35-40 लोगों की पूरी टीम पिछले 6 महीने से लगातार इसके कैरिकुलम को डेवलप करने पर लग रही थी, काम कर रही थी, उसको सारे को कंक्लूड करके आज उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा उनके आया है। फिर भी जो चीज़ें कमी बेसी रहेंगी, क्योंकि पहला साल है, देश में कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं हार्वर्ड में गया था, हार्वर्ड में जब मैंने उनसे बात की, उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से, कि हम लोग हैप्पीनेस कैरिकुलम ला रहे हैं और हमारा इंटेंट ये है कि बच्चे के अंदर फोकस करना, बच्चे के अंदर खुश रहना, बच्चे के अंदर एक खुशनुमा इंसान बनना, इस सब के स्किल डेवलप किए जा सकें, तो उन्होंने मुझे कई एग्जांपल दिए कि हम लोग हार्वर्ड की तरफ से फलाने देश में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं टीचर्स के लिए, हम लोग एक फलाने देश में ट्रायल पे एक प्रोग्राम इस तरह का माइंडफुलनेस का चला रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास में कोई ऐसा मॉडल है जिससे हम सीख सकें इतने बड़े स्केल पे सबके लिए करवाने के लिए, तो बोले हम बता देंगे आपके टीचर्स को, ट्रेनिंग भी करवा देंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी जो वहाँ काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि साहब 1000 गवर्नमेंट स्कूल हैं, हमारे करीब 18000 टीचर्स हैं, 18-20 हज़ार टीचर्स, और उनमें लगभग 8 लाख बच्चे, 6-7-8 लाख बच्चे हैं जो उस रेंज में हैं, नर्सरी से लेके और 8वीं तक के रेंज में। इतने बच्चों के बीच कोई कंसोलिडेटेड प्रोग्राम आपके पास में है जिससे हम आपसे समझ सकें? सो जो उनके इंचार्ज थे, एजुकेशन हेड हैं वहाँ पे हार्वर्ड में, उन्होंने भी कहा कि दुनिया में ऐसा अभी कोई प्रोग्राम नहीं है जहाँ बच्चों के ऊपर हैप्पीनेस, माइंडफुलनेस, फोकस, अटेंटिवनेस, इन सब पे इतना बड़ा काम हो रहा हो। तो मुझे लगता है एक बड़ा काम एजुकेशन के कोर का दिल्ली सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है।